So problem number six says that a steel tape. See, the metal is steel. Steel tape was exactly 30 meter long. So this is given data. Steel tape 30 meter long at 20 degree centigrade. When support throughout its length under a pull of 10 kg. So this is your pull. तो आप ये जो 30 मीटर है 20 डिग्री सेल्सियस है 10 केजी है इसे आप अलग से लिख लीजिए साथ में यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो मटेरियल है वो स्टील है सो स्टील मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं वो आपको याद होनी चाहिए अगर नहीं है तो वो इस क्वेश्चन में वैसे गिवन है आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी याद करिएगा साथ में जो आपने टेप बना रखा है अब देखिए दूसरी लाइन पढ़िए अ लाइन वॉज मेजर विद दिस टेप अंडर ए पुल ऑफ 15 kg आपने एक लाइन मेजर करी है इसी टेप से विद एक पुल ऑफ 15 केजी सो दिस इज द पुल विच इज एक्टिंग ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी लाइन ऑन साइट तो जब ये साइट का पुल है देखिए स्टैंडर्ड पुल 10 केजी हो गया साइट का पुल 15 केजी हो गया इज इट क्लियर उसके बाद आपको जाना है एंड एट ए मीन टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे इन्होंने साइट का टेम्परेचर भी आपको दे दिया है ठीक है अब ये मीन टेम्परेचर क्या होता है देखिए सपोज जिस पर्सन ने सर्वे किया उसने मॉर्निंग में 9 AM को शुरू किया सो 9 AM को जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू 12 और द नून टेम्परेचर 12 PM का जो टेम्परेचर होगा या जो नून का टेम्परेचर होगा उसके कंपेरिजन में कम होगा लेकिन सर्वे कंडक्ट करते करते जो टाइम क्या हुआ वो तो इंक्रीज होगा इसके हिसाब से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा सो द टेम्परेचर एट द साइट इज डायनेमिक ओके तो जो डायनेमिक टेम्परेचर है उसको हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज करना था तो हमने क्या करा सारे टेम्परेचर को टाइमली टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के बाद उसका एक एवरेज वैल्यू ले लिया उसी को हमने कहा मीन टेम्परेचर तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आगे का हम पढ़ते हैं एंड फाउंड टू बी 780 मीटर लॉन्ग अब आपने जो लाइन मेजर करी वो आपने जिस स्टील टेप से मेजर करी उसने जो आपको रीडिंग दी है वो 780 मीटर की रीडिंग दी है तो दिस इज योर मेजर्ड लेंथ ML करके लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप इज 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे भी आप नोट कर दीजिए एंड इट्स टोटल वेट इज इक्वल टू 0.693 kg Yes, sir. So this is the second part or the remaining part of the question. So the remaining part say the alpha of steel. Okay. So alpha means thermal coefficient. Thermal coefficient of steel is given at 11 × 10⁻⁶ per centigrade, and the modulus of elasticity is given as 2.1 × 10⁶ kg per centimeter square. Please note this. Unit. Okay. Compute the true length of the line if the tape was supported during measurement. So tape was supported during the measurement at every 30 meter at every 50 meter. तो आपके पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट है 30 मीटर पे सपोर्ट किया गया है एंड 50 मीटर पे सपोर्ट किया गया है तो ये है तो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं जो नए हैं देखिए एक टेप होता है ठीक है अगर ये टेप मटेरियल मेटल का टेप है ठीक है इसका जो मटेरियल है वो मेटेलिक टेप है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है तो टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होगा ये क्या हो जाएगा या तो ये इलोंगेट हो जाएगा बी पोजीशन से इलोंगेट हो जाएगा या फिर ये शॉर्ट हो जाएगा ठीक है अब आप बोलिए शॉर्ट कब होगा जब यहाँ पे क्या होगा स्नो गिरेगी मतलब टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम होगा तो शॉर्ट होगा ठीक है तो ये टेम्परेचर जो करेक्शन होता है इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू अल्फा Tm माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ टेप ठीक है तो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हमें गिवन है दिस इज योर मेन टेम्परेचर ऑफ वर्किंग कंडीशन इसीलिए यहाँ पे हम MB लिखते हैं या फिर मैं इसको सिंपली सिंपल लैंग्वेज में इसको साइट टेम्परेचर भी कहता हूँ कि जिस साइट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर ओके एक्चुअल में दिस इज अ टेम्परेचर एक्टिंग ऑन दिस टेप टी नॉट इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो भी हमें गिवन दे रखा है एंड L इज योर लेंथ ऑफ दिस टेप
फर्स्ट ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो करेक्शंस होता है उसको हम कहते हैं पुल करेक्शन। जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपको चेन में कुछ ना कुछ पुल अप्लाई करना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ योर, सपोज ए इज योर ओरिजिन पॉइंट, बी इज योर डेस्टिनेशन पॉइंट। तो डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पुल लगाना पड़ता है जिसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो टेप है ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। बट इस पुल की वजह से, क्योंकि ये पुल अगर आप ज्यादा लगा दोगे तो क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा, और अगर आप कम लगाओगे तो आप जो मेजरमेंट होगी वो प्रॉपर नहीं ले पाओगे। तो अगेन दिस करेक्शन इज नोन एज योर पुल करेक्शन, विच इज डिनोटेड बाय योर सीपी, और इसका जो फॉर्मूला होता है पुल एट साइट माइनस स्टैंडर्ड पुल डिवाइडेड बाय ए ई इंटू एल। ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, ई इज इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट, और इलास्टिसिटी या इसे यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशियंट, इलास्टिक कॉन्स्टेंट एंड यंग्स मॉडुलस, ये तीन चार नाम है इसके, ठीक है। ई के ये जो ई है इसकी वैल्यू स्टील के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। नाउ दिस इज अ लेंथ ऑफ योर टेप, दिस इज अ एक सिंगल टेप की लेंथ आपको प्रोवाइड करी गई है, वो भी आपको दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है, पुल करेक्शन है। ये भी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। सो दिस करेक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली टेम्परेचर करेक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हम लोग उस दिन समझ चुके थे कि पॉजिटिव किस केस में होगा, नेगेटिव किस केस में होगा। करेक्शन एंड एरर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर सपोज ये 30 मीटर लेंथ की एक टेप है जो कि अपने सही शेप में काम कर रही है, मतलब जो उसका मेजरमेंट है वो प्रॉपर है, बट अगर आपने आपके पास आपने ज्यादा पुल लगाया है तो क्या होगा, ये 30 मीटर कहाँ तक शो कर रहा है, ये बी से बाहर की वैल्यू को भी शो कर रहा है। और यहाँ पे आप अगर मेजरमेंट करोगे सो दिस वैल्यू ए से बी की वैल्यू 30 से नीचे आएगी, सपोज मान लीजिए 29 मीटर आई, तो ये तो 30 मीटर से कम ही हुई। तो इस केस में आपने क्या करा, आपने एरर किया। एरर कितने का किया, 1 मीटर का एरर कर दिया। क्या किया आपने, एरर किया 1 मीटर का। ये एरर कितना था, ये एरर आपने क्या किया, नेगेटिव एरर किया, आपने कम वैल्यू मेजर करी, सो योर एरर इज नेगेटिव। सो योर करेक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना करेक्शन होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। तो अगर आप 29 में 1 प्लस करेंगे तो 30 आपके एग्जैक्ट हो जाएगी, समझे मेरी बात को। सो करेक्शन एंड एरर आर वाइसा वर्सा, वैल्यू इनकी सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है, बस इनका डायरेक्शन चेंज होता है। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट करेक्शन हमारा स्लोप करेक्शन होता है। स्लोप करेक्शन हमारा किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है, ये भी हम लोगों ने समय सीख लिया था। फिर हमारा आता है सैग करेक्शन। सैग करेक्शन हमारा वेट अपॉन पीएम का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/24 n² मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द टेप, एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल टेंशन, वो जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो सैग करेक्शन होता है, अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है, सबसे पहले उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे कलर कोडिंग से आपको बताऊंगा कि अगर मैं ग्रीन यूज कर रहा हूँ सो दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो लेंथ ऑफ टेप इज 30 मीटर विच इज स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विद स्टैंडर्ड पुल। तो ये तीन वैल्यू है, ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद हम गए साइट पे। साइट पे क्या हुआ, मैंने पुल लगाया 15 kg का, टेम्परेचर मेरा वहाँ पर भी नहीं था, तो ये जो ब्लू वाले हैं ये मेरे क्या है, साइट की कंडीशन है। नाउ द कंडीशन विच इज यूनिवर्सली सेम फॉर आइडेंटिकल टेप लाइक एरिया, ठीक है, एक सेम आइडेंटिकल टेप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी सेम होगा, यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, एंड द वेट ऑफ द टेप विल ऑल्सो सेम। तो ये तीसरे टाइप का डेटा है,
ठीक है, ये तीसरे टाइप का वो डेटा है, इसके थ्रू आप करेक्शंस के, जो नेसेसरी करेक्शन के फॉर्मूला है उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज योर फाइनल रिजल्ट। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या था, निकला आपका मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ आपकी कितनी निकली, 780 मीटर। ये आपका आउटपुट था जब आपने सर्वेइंग किया, दिस इज योर आउटपुट। मेजर लेंथ आपकी 780 निकली। अब ये आउटपुट को आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, प्लस माइनस, माइनस करेक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव करेक्शन भी हो सकता है, प्लस करेक्शन भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन द एरर और इट इज डिपेंड ऑन द, जो यहाँ पे हमने इतने फॉर्मूले लिए ना इन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये आउटपुट प्लस माइनस करेक्शन करके हमारा क्या निकलेगा, फाइनल रिजल्ट निकलता है। और ये जो फाइनल रिजल्ट होता है, दिस इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एरर रिगार्डिंग द मेजरमेंट्स। जो टेप के एरर्स होते हैं उससे ये फ्री फ्री होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, और हमें इस पे रिलाई करना होता है, हमें ये फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, यही आपको बताना भी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं, व्हेन द टेप इज सपोर्टेड एट एवरी 30 मीटर। टेप की लेंथ कितनी है, 30 मीटर, सपोर्ट कितना कर रहे हैं, 30 मीटर लगा रहे हैं। मीन्स क्या होगा, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, एन को वन लैंग्वेज वेरी गुड, और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या है, आपने टेप टेप को एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसके बाद आप इस टेप को इस तरीके से एक पुल के थ्रू एक्सटेंड कर, और दूसरा जो पॉइंट है वो बिल्डिंग के यहाँ पे सपोर्ट पे फिक्स कर दिया, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। यहाँ पे आप पुल लगा रहे हो जो पुल आपका साइट पे है, ठीक है, समझ में बात है। लेकिन इस पे इस टेप का अपना एक सेल्फ वेट है, जो इसको ग्रेविटी फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो टेप है ये स्ट्रेट ना होके क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सैग हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब ये सैग हो गई, इस सैग की वजह से, क्योंकि ये जो पैराबोलिक है, ये सैग क्या है, पैराबोलिक इन नेचर है, सो पैराबोलिक लेंथ इज ग्रेटर देन स्ट्रेट लेंथ। है ना, ये जो पैराबोलिक लेंथ है जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ करी है, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लेंथ विच इज शोन बाय द ब्लू लाइन, ठीक है। इसी को हम सैग करेक्शन कहते हैं। तो जब हम ये सैग करेक्शन निकालते हैं उसमें एक पैरामीटर होता है हमारा एन, और ये पैरामीटर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्पान पे। फॉर दिस केस द नंबर ऑफ स्पान इज इक्वल टू वन, अगर 30 मीटर पे हम इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, 15 मीटर पे सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन दिस इज योर बिल्डिंग, तो अब आपने क्या करा, टेप को, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेप एंड दिस इज योर एंड पॉइंट ऑफ द टेप, ठीक है। अब यहां पे स्टेट तो आपका ऐसे बनना था, लेकिन क्या हुआ, सैग आपको मिला, लेकिन यहाँ पे सैग जो होगा वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम होगा, बिकॉज ये जो सेंटर में आपने सपोर्ट लगाया, ये जो इसकी पीकनेस है, सैग की पीकनेस है, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से पैराबोला जो होगा वो दो पैराबोला बन रहे हैं, लेकिन पीकनेस कम हो गई, तो पैराबोलिक की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ये स्पैन हो गया, सेकेंड ये स्पैन है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ कितना है, 15 मीटर है, 15 मीटर का सपोर्ट है, और यहाँ से यहाँ भी कितना है, 15 मीटर है, और टोटल हमारे 30 मीटर की तो हमारी क्या है, टेप है। ये क्लियर है, हो गया आपको। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एन की वैल्यू को चेंज करना है फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो एज यूजुअल वी स्टार्ट विद टेम्परेचर करेक्शंस। टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। यूनिट को समझा देते हैं, अल्फा की यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड,
टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ की यूनिट आप कैसे ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो, 30 मीटर ले रहे हो, तो यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। सेंटीग्रेड टू सेंटीग्रेड कैंसिल आउट, आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। प्लस क्यों आया, इसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो साइट पर टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, उससे ज्यादा है, तो 32 इज ग्रेटर देन 20, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। कम टू द नेक्स्ट करेक्शन विच इज पुल करेक्शन, सीपी से डिनोट किया गया। यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, पीएम जो पुल साइट पे है वो 15 kg है, जो स्टैंडर्ड पुल है वो 10 kg है, इट मीन द साइन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे यूनिट देखिए, पुल की यूनिट क्या दे रखी है, पुल की यूनिट दे रखी है केजी, डिफरेंस करके आया। एरिया की यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई ई की यूनिट क्या दे रखी है, ई की यूनिट दे रखी है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई लेंथ की यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, सिमिलरली केजी टू केजी विल बी कैंसल आउट, द फाइनल आंसर विल बी कम इन मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पुल करेक्शन। अब पुल करेक्शन के बाद आता है सैग करेक्शन। सैग करेक्शन में W इज द टोटल वेट ऑफ द टेप विच इज गिवन टू 0.693, लेंथ आपको दे रखी है, टोटल वेट केजी पे है, इसकी देखिए इसका यूनिट अगर हम यूनिट एनालिसिस करें, मीटर मल्टीप्लाई बाई केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की कोई यूनिट नहीं, 24 इज यूनिट लेस, पीएम की यूनिट जो है वो केजी स्क्वायर में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, केजी स्क्वायर टू केजी स्क्वायर कैंसिल आउट, अगेन द वैल्यू इज इन मीटर, बट द सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द पैराबोलिक मेजरमेंट इज ग्रेटर देन द स्ट्रेट मेजरमेंट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है, हमने सारे करेक्शन को एडअप किया, उसके बाद हमने फाइनल अपना 30 मीटर में टेप से 30 मीटर टेप में इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में हम जो मेजरमेंट कर रहे थे वो कितनी कर रहे हैं, एक्चुअल मेजरमेंट वो हमारी 30.00367 मीटर। ओके, अब हमें ये पता करना है कि अगर मेरा एक चेनेज में इतना वैल्यू आ रहा है तो 780 में मैंने जितने चेनेज करे हैं उसमें कितना वैल्यू आएगा, तो इसका सिंपल आंसर है आप क्या करोगे, एक चेनेज में जितना आया उसका मल्टीप्लाई करोगे टोटल चेनेज से, ठीक है, टोटल चेनेज या नंबर ऑफ टोटल चेनेज कह सकते हैं, टोटल चेनेज कितना होगा, 780 को डिवाइड करिए 30 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल चेनेज आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करिए आप एक्चुअल लेंथ से, एक्चुअल लेंथ आपकी 30, तो ये इस तरीके का फॉर्मूला बना और यहाँ से हमारी फाइनल जो है। किसी को इसमें डाउट? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में हमने 15 पे किया, 15 में हमने n की वैल्यू 2 रखी, ये n की वैल्यू 2 कहाँ चेंज होगी, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी, कहाँ पे, सैग वाले में, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी बस, बाकी कहीं पे भी इस पूरे न्यूमेरिकल में चेंज नहीं है, टेम्परेचर वही रहेगा, पुल करेक्शन वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सैग करेक्शन चेंज होगा। जब सैग करेक्शन चेंज हुआ फिर हमने वही चीज़ रिपीट करी जो हमने ऊपर रिपीट करी, क्लियर हो गया। Yes, अब इस क्वेश्चन के बाद अब जो क्वेश्चन है मैं उसमें अब आपको बस ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है मेन चीज और उसको मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए 20 मीटर स्टील टेप वॉज स्टैंडराइज ऑन फ्लैट ग्राउंड, मतलब 20 मीटर की चेन है, फ्लैट ग्राउंड है, मतलब कोई स्लोप करेक्शन नहीं होगा, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, पुल भी हमें दिया हुआ है। अब ये टेप वॉज यूज इन कैटनरी एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंड अंडर ए पुल ऑफ PKG, तो PKG हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें और सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब यहाँ पे हमें ये TMB दे दिया है, ये हमारा T0 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप इज ये भी दे दिया है, एंड इट्स टोटल वेट इज 400 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर दीजिए kg में, तो बस यहाँ पर यही है इस पूरे क्वेश्चन में, एक ये है यंग्स मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ये पूरी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इफ पी इज इक्वल टू 10 kg, देखिए पी भी यहाँ पे गिवन है, तो क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वेट को इन्होंने ग्राम में दिया था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया kg में,
क्यों केजी में कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारा पुल भी केजी में है, ठीक है, और साथ में हमारा जो यंग्स मॉडुलस है उसमें जो हमारी यूनिट है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बस इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देते हुए जब आपने हम सारा फॉर्मूला वही लगाए तो आपके आंसर आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे एन क्यू वन क्यू रखा हमें, किसी को इसके पास आइडिया है? सर फैक्ट फ्रैक्शन नहीं दिया वाली इसलिए हमें यहाँ पे एन हमने इसलिए रखा है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है द टेप वॉज थॉरली सपोर्टेड बाय द ग्राउंड, कहीं पे किसी लाइन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा हमने यहाँ पे स्लोप करेक्शन इसमें लगाया क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि द ग्राउंड इज स्लोपी, उल्टा यहाँ पे ये लिखा है ग्राउंड क्या है? फ्लैट ग्राउंड है। अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राउंड कैसा है? फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। तो ये स्लोप करेक्शन और सैग करेक्शन हमने इस तरीके से चेक करना है। हमने करेक्ट डिस्टेंस निकाल दी और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। प्रॉब्लम नंबर 8, लेंथ दी हुई है, स्टील बताया गया है। तो स्टील मतलब कि अगर आपको स्टील दे दिया तो आपको बाय डिफॉल्ट ही ये पता होना चाहिए अल्फा एंड ई की वैल्यू कितनी है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट ये है टेम्परेचर स्टैंडर्ड दिया है, स्टैंडर्ड पुल दिया हुआ है। अगेन इस लाइन को पढ़िए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो टेम्परेचर साइट का है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है अंडर ए पुल ऑफ पी के जी। अभी पी के जी अगेन डिफाइन नहीं है बट आगे देखते हैं क्वेश्चन में, कुछ और चीज़ें हमें पता हो। एरिया भी हमें दिया हुआ है टेप का, इट्स यूनिट पर। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसका वेट का जो यूनिट है ना, इट्स वेट पर यूनिट इज 22 ग्राम पर मीटर। अब यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी और यही लाइन कंफ्यूज करेगी आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, 30 मीटर का हमें टोटल वेट निकालना है। तो हमने बस ये प्रॉब्लम को सबसे पहले वेट के हिसाब से सॉल्व किया, उसके बाद हमें दिया गया है फाइंड द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इफ पी इज इक्वल टू 5 kg एंड 11 kg। तो यहाँ पे बस पी की दो वैल्यू दी हुई है तो ये दो करेक्शन आपके आएंगे, इन दोनों करेक्शन के अलग अलग वैल्यू आएंगे। सबसे पहले 5 kg था, टेम्परेचर तो एज इट इज रहेगा, 5 kg जब यहाँ पे रहेगा और स्टैंडर्ड आपका 5 है तो टोटल ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब यही 0 हो गया तो ये वाला यहाँ पे नहीं यूज होगा। सेक करेक्शन में पुल की वैल्यू आ गई, एन इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखने से सॉल्व कराएंगे, करेक्शंस डिस्टेंस हमने निकाल दी। नेक्स्ट जब ये P11 होगा तो देखो टेम्परेचर में पुल का कोई रोल नहीं होगा तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा, बट पुल करेक्शन में देखिए ये चेंज हो गया, अब ये 11 हो गया यानी पॉजिटिव साइड, तो आपका करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सैग करेक्शन में भी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुल की वैल्यू आती है तो इसीलिए सैग करेक्शन नेगेटिव होता है और यहाँ पे 11 हमने रखा है तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। फाइनली हमने क्या किया, सारे करेक्शन को अकॉर्डिंग टू द साइन हमने सॉल्व किया, वो हमारा प्लस आया और फिर हमने जो हमारी 30 मीटर था उसमें हमने इसी करेक्शन को प्लस कर दिया और फाइनल आंसर निकाल दिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8, जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पे वेट का था जिसको मैंने हाईलाइट कर चुका हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 9, स्टील टेप वॉज एग्जैक्टली 20 मीटर, ओके, लेंथ हमें गिवन दे रखी है, टेम्परेचर हमें दे रखा है। व्हेन सपोर्टेड, देखिए ये लाइन पढ़िए, सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ अंडर ए पुल ऑफ 5 kg। ये मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जब भी हम स्टैंडर्ड लेंथ निकालते हैं तब हमें अपनी चेन में सैक प्रॉब्लम ना हो, सैक करेक्शंस ना करनी पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं उस चेन को बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पर रखते हैं और उसको टोटली सपोर्ट करते हैं हर जगह से। तो ये तो था स्टैंडर्ड डेटा। नाउ कम टू द साइड डेटा, ए लाइन मेजर्ड विद दिस टेप अंडर ए पुल ऑफ 16 kg एट ए मीन टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री
सेंटीग्रेड वॉज फाउंड टू बी 680। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, पूरा का पूरा। द टेप इज सपोर्ट एट एवरी 20 मीटर। देखो 20 मीटर की लेंथ का टेप 20 मीटर के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन गिवन दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज ई, जैसे ई तो वही होगा जो स्टील का रहता है, तो ई और अल्फा में ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे जो चेंजेस है, अगेन द वेट ऑफ टेप इज 10 ग्राम पर cc। दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी डिस्कस द प्रीवियस वन। यहाँ पे हमने टोटल वेट को चेंज कर देना है केजी में, ग्राम जो आपको वेट पर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो वेट है ना वो लेंथ वाइज नहीं है, यहाँ पे वेट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको पर सीसी, मतलब क्रॉस एरिया के बेसिस पे दिया हुआ है। वेट ऑफ टेप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हमने इस सीसी को हटाने के लिए यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करा, एंड देन वी फाइंड अवर टोटल वेट ऑफ द टेप। ये टोटल वेट ऑफ द टेप ग्राम में आया, इसको कन्वर्ट कर दिया केजी। तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे वेट पर यूनिट एरिया दे रखा है इसको प्रॉब्लम में, बाकी सारा प्रॉब्लम सेम है, कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। टेम्परेचर करेक्शन में अल्फा लगाया, टेम्परेचर बड़ा है तो पॉजिटिव आया, पीपुल बड़ा है तो पॉजिटिव आया एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पुल। सैग करेक्शन में एन की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, और हमने W से P M कट जाता है तो इस वजह से इसकी वैल्यू आ जाती है, और सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल करेक्शन अप्लाई किया, टोटल करेक्शन के बाद हमारा ये वैल्यू आया, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा है इसका हमने रेशियो निकाला, और इतना रेशियो हमारा मेजर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड वी विल गेट अवर फाइनल रिजल्ट विच इज फ्री फ्रॉम टेप करेक्शन। मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 10। सो प्रॉब्लम नंबर 10 इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल टेंशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन दे रखा है। 30 मीटर स्टील टेप, स्टील टेप दिया है, मींस अल्फा एंड मॉडुलस ये आपके क्या होंगे, सेम ही होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो भी है टेम्परेचर का, और ये सेम होंगे। 30 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर ए पुल ऑफ 10 kg, तो ये तो आपके स्टैंडर्ड डेटा हो गए। उसके बाद हम चाहेंगे साइट वाले डेटा पे, साइट पे हमने क्या करा, द टेप वॉज यूज इन कैटनरी टू फिक्स ए डिस्टेंस 28। अब देखिए साइट पे 28 मीटर की ही टेप यूज हो रही है, 30 मीटर की नहीं हो रही है। जो टेम्परेचर था वहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और जो पुल था वो 5 kg था। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे गिवन दे दिया है, साथ में टोटल वेट भी आपको चेन का दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि टोटल वेट दिया है, ये टोटल वेट दिया है पूरी 30 मीटर की टेप का, बट हमें जो वेट, हम देखें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 28 मीटर है, और हमारा यहाँ से फिर एक्स्ट्रा 2 मीटर जो है वो टेप बच रहा है। अब मुझे बताइए, करेक्शंस हम पूरी टेप का लगाएंगे यहाँ पे, करेक्शन हम यहाँ पे पूरे टेप का नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो सैग होगा, सैग तो सिर्फ इतने पोर्शन में होगा, ए टू बी होगा सैग, तो सैग ए टू बी हो रहा है। टेम्परेचर एक्सपेंशन जो होगा वो हमें सिर्फ इतने पोर्शन में निकालना है, ए टू बी पोर्शन में निकालना है, साथ में जो पुल मैंने लगाया वो सिर्फ ए टू बी चेन पे जो कि 28 मीटर है इतनी डिस्टेंस पे लगाया, क्योंकि इतना ही वेट आ रहा है, तो मुझे इतने वेट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो 28 मीटर तक रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया अपनी लेंथ को जो कि हमारी 28 मीटर रहा, बाकी टेम्परेचर पुल, टेम्परेचर एट साइट एंड पुल एट साइट वो हमारा गिवन डेटा रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सेम, ई एंड अल्फा इज ऑल्सो द सेम फॉर द स्टील। टोटल वेट हमारा 470 था 30 मीटर के लिए,
28 के लिए निकालना है हमें, तो रेशियो कर दिया 28 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 470, ये हमारा 28 मीटर लेंथ का जो टेप है उसका वेट आया है, इसको कन्वर्ट कर दिया केजी में। और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था आपको, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, यही आपका जो था वो की पॉइंट था। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है, टेम्परेचर करेक्शंस, टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ गया, पुल करेक्शन पुल कम है तो नेगेटिव आ गया, सैग करेक्शन में लेंथ देखिए वही लेंथ ले रहे हैं हम, 30 मीटर नहीं ले रहे, लेंथ हम वो ले रहे हैं जिस जो हमें मेजर करनी है, वेट हमने 28 मीटर टेप का वेट लिया है। एंड फाइनली द पुल विच इज अप्लाई ऑन द फील्ड इज ऑल्सो पुट हेयर विच इज 5 kg, नेगेटिव आ गया आंसर। टोटल करेक्शन करा, टोटल करेक्शन नेगेटिव आया, तो इसको 28 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 28 में से हमने इसको माइनस करा, हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, ठीक, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट वेयर वी हैव टू फाइंड द पुल फॉर विच द मेजर डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू करेक्ट डिस्टेंस। मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से जो आपके एरर्स जो करेक्शंस हैं वो करेक्शन ही ना करना पड़े। अब अगर आपको करेक्शन ही नहीं करना है तो देखिए क्या क्या कर सकते हो आप। देखो पॉजिटिव क्या है, आप क्या करो, ये चीज और ये चीज अगर आप बराबर कर दो, ठीक है, हम करते क्या है, हम दो चीजें करते हैं, हम ऐसा पुल अप्लाई करते हैं, ऐसा पुल अप्लाई करते हैं जिससे सैग करेक्शन क्या हो जाए, नलीफाइड हो जाए, ओके। तो हमें क्या करना होता है, इस पुल को ये जो 5 है जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आ रहा है इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। अगर हम इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है सैग का, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको जब हम समेशन करेंगे तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और उसको हम कहते हैं, उस पुल को हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन। क्या कहते हैं उस पुल को, हम उस पुल को हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन। और यहाँ पे हमने यही फाइंड आउट करा है, हमने नॉर्मल टेंशन को पी एन से डिनोट कर दिया जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारा पुल करेक्शन है, दिस इज रिलेटेड टू योर सैग करेक्शन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, वैल्यू रखी हमने इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जब करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखी तो हमने हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्यूबिकल बनी, इसको हमने और शॉर्ट किया तो हमारी ये बनी। अब इसको हमें डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके पी एन की 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब 3 वैल्यू कैसे आएंगी, एक नेगेटिव आएगी, एक प्लस आएगा, अब जो थर्ड वाली है वो प्लस भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, उनमें से कोई भी आ सकती है, तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे कौन सी वाली वैल्यू लेनी चाहिए। पॉजिटिव वाली लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव वाली सर, क्योंकि ये नॉर्मल टेंशन पॉजिटिव है। नहीं, टेंशन इज ए फोर्स, टेंशन इज ए फोर्स विच इज ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। कभी भी आप चेन को दबा के नहीं मेजर करते हो, आप चेन के ऊपर इस तरीके से प्रेशर नहीं लगाते। सपोज दिस इज एक सिलेंडर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव तब होता है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको टेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। और एक होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, आप इसको यहाँ से भी दबा रहे हो और यहाँ से भी दबा रहे हो, तो जब आप मेजरमेंट करते हो तो ये तो आप परफॉर्म ही नहीं करते हो ना, ऐसा ऐसा कुछ करते हो नहीं, ऐसा परफॉर्म नहीं करते, आप क्या करते हो, ये परफॉर्म करते हो, चेन को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, उसमें टेंशन फुल प्रोवाइड करते हो, टेंशन फोर्स प्रोवाइड करते हो, वही टेंशन फोर्स आप क्या होता है, पुल फोर्स होता है, और उसी को हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन। तो फोर्स की यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट फॉर दिस केस, फॉर दिस मेजरमेंट टास्क we will take positive because we are going to extend our tape and for extension process the tension will apply and tension is gives a result of pull, tension jo pull hai na wo tension ka result hai, okay, so this is your
लास्ट न्यूमेरिकल। अच्छा मुझे इसमें ना एक चीज और पूछनी है, ये क्वेश्चन तो चलो ठीक होगा क्यों, यहाँ पे तो बात आ गई थी नॉर्मल टेंशन की, लेकिन इसमें ना अभी मैं आपको एक चीज बताता, इसमें ये जो टेम्परेचर करेक्शन है, ये टेम्परेचर करेक्शन नलीफाइड नहीं हुआ है, इट इज ये तब भी एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यस अब सर, मैं यस बस बोलता हूं सर, कि एक ऐसा पुल लगाइए, ऐसा फोर्स लगाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। देखिए उसने जो सॉल्यूशन था वो तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पुल फॉर विच द मेजर डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू करेक्ट डिस्टेंस। अब क्या करना चाहिए हमें, हमें ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास कि हम एक ऐसा पुल लगाएं, मतलब इसको हम क्या कर दें, इसको देखो हमें करना क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू ये तो रहेगी रहेगी, अगर मैं इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन जीरो के बजाय नेगेटिव ले आता हूँ, किस किस का समेशन, इक्वेशन 2 एंड 3 का नेगेटिव वैल्यू ले आता, तो ये नेगेटिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू कुछ इतनी होनी चाहिए, 0.00616, सो दैट विल नलिफाइड ईच अदर, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा ना, फिर ये जो टोटल करेक्शन जीरो हो जाएगा ना। वरुण बग्गा समझ में आया सर क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर आपने पुल और सैग को नलिफाइड कर दिया, तो पुल प्लस सैग को तो जीरो किया, लेकिन फिर भी तो आपका टेम्परेचर करेक्शन हो ही रहा है ना, तो टोटल करेक्शन तो ये फिर भी रहेगा ही रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं सर इस प्लस को इतना कर दूं, जैसे ये प्लस है उसको इसी के बराबर ले आऊं नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब आप सैग करेक्शन को, सैग करेक्शन की जब आप इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स यू 0.001616 माइनस वैल्यू, तभी तो होगा ना। इसका मतलब ये हो सकता है इक्वेशन 2 इज इक्वल टू माइनस 0.00616 माइनस थर्ड इक्वेशन, है ना। अब आपको ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करके बताना है, अब ग्रुप में पोस्ट करना है, इस इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो तब मुझे बताना कि वो पुल कितना होगा। आया समझ में कुछ, क्या समझ में आया? सर, इसमें जो ये है पुल निकालने के लिए हमें जो है करेक्शन करना होगा, तो उसमें वो सेम आना। हाँ क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, पुल करेक्शन प्लस सैग करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन विल बी जीरो, ऐसा होना चाहिए ना, यही तो बोल रहा हूँ, पुल करेक्शन आपने यहाँ कर दिया, सैग करेक्शन यस आपने यहाँ पे कर दिया, अब इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, इन दोनों की वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए जिससे ये जीरो हो जाए। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर करेक्शन की पॉजिटिव 0.00616 है। अब ये भी यस इसी चीज को मुझे क्या करना, सॉल्व करना सर, है। इनकी इतनी आनी चाहिए कि अगर जैसे हम टेम्परेचर को ऐड करते हैं तो तो जीरो आ टोटल जाए जीरो आएगा, यस। अब आप नॉर्मल। समझे इस चीज को, तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इसके आगे आपको क्या कर देना है, प्लस लगा देना है इसके लिए, ठीक है। बट ये प्लस हो नहीं यस सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सैग करेक्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं नेगेटिव कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और इधर ये अभी पॉजिटिव मैंने निकाली नहीं है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन द दिस पी एन इक्वल टू, ये मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस ले आता हूँ 616, ठीक है, समझ में बात आ गई। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपने सॉल्व किया, ये तो माइनस ठीक आया, अब इसको भी सॉल्व किया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे प्लस माइनस करके इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जीरो की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस 0.00625 डिवाइड बाई 24, ये 24 यहाँ आ गया था ना। तो अब जो आपकी इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन, इसको आपको कैलकुलेटर में रख के पी
एन की वैल्यू निकालनी है, और ये आप मुझे ग्रुप में करके दोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके यस ठीक है, तो ये आपका सर, लेक्चर था, आप इसे कंप्लीट करिए, और थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम।